नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर न सिर्फ केंद्र सरकार का स्टैंड साफ किया, बल्कि विपक्षी पार्टियों पर अल्पसंख्यकों के बीच झूठ फैलाकर भड़काने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी इस बात से भी तिलमिलाए हुए हैं कि आखिर क्यों मोदी को मुस्लिम बहुल देशों में इतना समर्थन मिलता है। सीएए पर विरोध को लेकर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज ममता दीदी लोग कोलकाता से सीधे संयुक्त राष्ट्र पहुंच गई हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए और वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए। जिस तरह लोगों को भड़काया गया, उकसाने वाली बातें कही गई, झूठे वीडियो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों ने सोशल मीडिया में डाल करके भ्रम फैलाने का, आग फैलाने का गुनाहित कृत्य किया है भाई। लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए, वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए। संसद के अंदर स्पीकर के सामने कागज फेंकती थी बांग्लादेशियों के खिलाफ दीदी। यूपी की राजधानी लखनऊ में परिवर्तन चौक पर एक बार फिर से हिंसा की सूचना मिली है, जिसको देखते हुए चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात की गई है। परिवर्तन चौक पर जाने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने बैरिकेटिंग करके सील कर दिया है और क्षेत्र के तमाम आला अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। हजरतगंज इलाके के परिवर्तन चौक के आसपास के सभी हिस्सों में भारी पुलिस बल तैनात है। बच्चे ने जो सामने आकर के उपद्रव करने का चेष्टा किया हो, या उनके पीछे अगर कोई है उनको प्लानिंग में भी किसी स्तर में भी, तो जिनका रोल रहा है वो तो कोई कानून के दायरे से ना बचे। सर, कल बुद्धिजीवी वर्ग के कुछ लोगों ने भी इसे बुलाया था इस प्रदर्शन को, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है? देखिए, कानून के नियम सबके लिए समान है। अगर कोई कानून तोड़ेगा, जो कानून तोड़ने के लिए जो प्रावधान होते हैं ये प्रावधान नेचुरली अप्लाई किए जाएंगे। हम ये कोई फर्क नहीं करते हैं कि कौन है, कानून है जो तोड़ेगा उसके लिए जो प्रावधान है उस प्रकार का कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खड़े हैं परिवर्तन चौक पे, जहां राजधानी में 19 तारीख को जो घटना घटित हुई थी, जो अहिंसा हुई थी, जिसको लेकर तमाम संपत्तियों का नुकसान पहुँचाया था। प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से पथराव किए थे और जो है गोलियाबारी भी की थी, कई लोगों को चोटें भी आई थी, बहुत सा नुकसान हुआ था, कई ओबी वैनों में आग लगा दी गई थी, कई बसों में आग लगा दिया गया था, आज दोबारा इस तरह की घटनाएं न घटित हों, इसको लेकर आज फोर्स तैनात कर दी गई, चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात कर दी गई, एडिशनल SP DSP IG जोन DM के सख्त आदेश हैं कि दोबारा इस तरह की घटना देखने को मिले, जिससे यहाँ परिवर्तन चौक में अलर्ट कर दिया गया है पूरा फोर्स को। आपको बता दें कि आज कोई कुछ संगठन ऐसे हैं जो प्रदर्शनकारी जो आ रहे हैं और जो है पुलिस को चेतावनी दी है कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे, रोकना हो तो रोक लो। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं रवि श्रीवास्तव, लाइव 24 लखनऊ। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया है। नागपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक रैली के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं हैं, हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ भारत की हिंदुओं को शरण दे सकता है। रैली में आगे बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, भारत ने सबको अपनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान का निर्माण किया है और संविधान में लिखा गया है कि जब कोई भी हिंदू, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, सिख, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से,
क्योंकि उस समय बांग्लादेश नहीं था, पर अफगानिस्तान से जब हिंदुस्तान में आएगा तो उसके लिए नाम लिखा गया था शरणार्थी रेफ्यूजी। अब शरणार्थी रेफ्यूजी निर्वासित इन शब्दों के लिए किसको लागू है और किसको लागू नहीं है, यह संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है। ये जो रेफ्यूजी शब्द लागू है, निर्वासित शरणार्थी ये शब्द लागू है हिंदू जैन क्रिश्चियन पारसी ईसाई और सिख जो पाकिस्तान में बांग्लादेश में अफगानिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके लिए लागू है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ हिंसा पर उतारू है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भीड़ हिंसा पर उतारू है, पुलिस इन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन भीड़ है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ये हिंसा एक या दो जगह नहीं बल्कि पूरे देश में फैल गई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी समेत लेफ्ट के नेताओं की अगुवाई में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया जा रहा है। इसी की आड़ में उपद्रव किया गया और पूरे देश को आग की लपटों में झोंक दिया गया। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच यूपी के बलिया में समाजवादी पार्टी के एक पूर्व मंत्री नैतिकता की सारी हदें पार कर गए। मीडिया कर्मियों से बात करने के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नारद राय ने नागरिकता संशोधन कानून को संविधान के साथ बलात्कार शब्द से नवाजा। विरोध में बेकाबू हो चुके सपा के पूर्व मंत्री यहीं पर नहीं रुके, वो जब आगे बोले तो सारी मर्यादाएं तार तार करते चले गए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फांसी देने की मांग कर डाली। क्या बचता है मोदी जी के पास, क्यों नहीं इस पर बहस करने का काम करते हैं? संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या संविधान के साथ बलात्कार कर रहे हैं? मोदी को फांसी होनी चाहिए। देखिए इन तस्वीरों को, ये हमारे देश के जागरूक और होनहार युवा हैं। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे इन लोगों को क्या ये भी पता नहीं कि ये विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि पत्थरबाजी है? ये नहीं जानते कि इस तरह का विरोध किसी को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता है और इनका फेंका गया पत्थर यदि किसी इंसान के नाजुक हिस्सों पर सही से लग जाए तो जान भी ले सकता है। ये सब जानते हैं जनाब, लेकिन इनकी समझ पर सियासत से भड़काई गई कोरी भावनाएं और अफवाहें हावी हैं। आम जन तो आम जन, देखिए किस तरह विधायक रह चुके सख्त तक अपनी पार्टी के आका को खुश करने के लिए मरने मर जाने की बात कर रहे हैं। कि आज हमको ना अमृतसर पार्क में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आवाज़ में धरना देना है, लेकिन आज के देख रहे हैं आप, हमने वो भी इमरजेंसी देखी और आज भी इमरजेंसी से भी ज़्यादा बुरे हालात यहाँ पर है। हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। पूरे अहमदगढ़ स्वरूप पार्क को उन्होंने पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ कार्यालय पे इकट्ठे हुए, कार्यालय पे भी चारों तरफ पुलिस ने इकट्ठा कर लिया, मगर ये लोग जानते नहीं है हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर उनके आदेश पर हम लोग अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं और इसीलिए हर हाल यहाँ से हम लोग कुर्बान करने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिले उपद्रवियों के कब्जे में दिखे। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सामने आए, लेकिन कोई असर नहीं दिखाई दिया। यहां तक कि 19 दिसंबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे और बोले कि तमाम उपद्रवियों के चेहरों को वीडियो में कैद कर लिया गया है, हिंसा से हुए नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति से वसूल की जाएगी। आखिरकार पुलिस प्रशासन ने चिन्हित किए गए तमाम आरोपियों के फोटोग्राफ जारी किए और जेल भेज दिया, जबकि कुछ की तलाश अभी भी की जा रही है। नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर हिंसा, इस सरासर उपद्रवी अराजक तत्वों के द्वारा विपक्षी दलों कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों के संरक्षण में किया गया एक की गई एक शरारत है, यह अस्वीकार्य है और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज़ को स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ, मैं स्वयं देख रहा हूँ
और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं। लोकतंत्र में विरोध करना वाजिब है, लेकिन जिस तरह से देश में घट रहा है ये विरोध का वाजिब तरीका नहीं। इसे अगर उपद्रव या हिंसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और हिंसा की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होती। न्यूज डेस्क लाइव 24। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हिंसा के बीच एक पुलिसकर्मी बाल बाल बचा। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून पर जारी हिंसा में एक पुलिसकर्मी को उपद्रवियों ने सीधी गोली मारी, जो पुलिसकर्मी के जेब में रखे पर्स में लगी। इस पुलिसकर्मी का कहना है कि भगवान ने उसे दूसरा जन्म दिया है, इसलिए वो बच गया। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में पुलिसकर्मी के पर्स में लगी गोली साफ देखी जा सकती है। के साथ हमरा में ड्यूटी नालवन चौराहे पर उपद्रवियों के बीच हम साहब के साथ थे। इस दंगे में मतलब लोगों ने फायर किए गोली सीधे लगते हुए, ये पहने हुए था तो यहाँ पार करती हुई, और उसके बाद जैकेट को पार किया ये, और इस जैकेट में मेरे पर्स रखा हुआ था, जिसमें ये पर्स जिसमें भगवान जी की फोटो और 4 ATM कार्ड थे। उन्होंने मतलब कार्डों ने ये चीरती हुई गोली यहाँ तक ये पार आ गई है, जो गोली अभी भी फंसी हुई है। भगवान जी के हैं, शिव जी के, साईं बाबा की फोटो है, शिव जी की फोटो है। तो क्या मानते हैं कि ये आपका पुनर्जन्म हो गया? हाँ, मेरा पुनर्जन्म ही है। हरियाणा के कलसाना में विधायक रामकरण जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां गांव वासियों ने विधायक रामकरण को फूल मालाओं और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही गांव वासियों ने विधायक का गांव पहुंचने पर लड्डू से तोलकर सम्मान किया। इस दौरान विधायक ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अधूरे पड़े विकास कार्य जल्द ही पूरे किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका प्रयास है कि क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतरीन चिकित्सा मिले और शाहबाद क्षेत्र का कायाकल्प हो। और मेरे परेशान के जो युवा साथी और जो बुजुर्ग बैठे, आज मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं सबको कर भी जानूँ और नाम भी जानूँ, मतलब ऐसे आप परिवार ले सुनो अपने, हमारा ये नहीं भी है, मतलब भी आज लगातार जब भी आप परेशान को मेरे को बुलाया और मैं उसी टाइम आपके बीच में पहुँच गया। जिस दिन मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, जब से कुलसाना गौना मेरे को उस टाइम भी बहुत मदद करी। उसके बाद फिर पिछली बारी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, जब भी बहुत मदद करी। जब पिछली बारी 500 वोटों का हार गया था तो पूरे कुलसाना गौना बड़ा दुख आया था, जितने युवा साथी बैठे बुजुर्ग बैठे। तो 5 साल की बाढ़ देख रहे थे, कब 5 साल आवा, कब 5 साल आवा। हर 36 बाढ़ देख रही, 5 साल का मौका कब मिला मेरे को। तो बड़ा जब भी आऊँ तो कहमा, जब भी वही बात कहाँ थे भी बड़ा दुख, 500 बटन हार गए। मैं फिर कहता हूँ कोई बात नहीं, मरना नहीं दुखता, अपना ज़्यादा दुखता। तो मैंने भी अपने हारने का दुख नहीं था, तो आपके दुख का भी मान लिया। आपका अपना वोट पाई और अपना आपका कैंडिडेट हार गया, तो अपना मतलब मैंने भी आपके उसके दिल वाले भी सबना दुख कितना माफदार है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में 4 दिवसीय युवा खेल महोत्सव का समापन हो गया। ये खेल महोत्सव शहर के खिड़नी बाग रामलीला मैदान में चल रहा था। इस मौके पर शाहजहांपुर से वर्तमान बीजेपी सांसद अरुण सागर और जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव पहुंचे थे। खेल महोत्सव में बीजेपी जिला महामंत्री नवनीत पाठक ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समापन में विजेता बच्चों को पुरस्कार दिए गए और प्यार स्नेह के साथ मेडल देकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, तभी मुखबिर की सूचना पर खड्डा रेलवे स्टेशन के पास से अंतरराज्यीय
अवैध गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की ज्वाइंट टीम ने छापा मार कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए दो बोरी अवैध गांजा बरामद किया। वहीं अभियुक्तों पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं यूपी के बलिया में एक अज्ञात शव मिलने से खलबली मच गई। मामला बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव का है, जहां ग्रामीणों ने बताया कि हुसैनाबाद के एक बगीचे में गांव का एक व्यक्ति पुवाल लेने के लिए गया तो उसे पुवाल में छिपा एक शव दिखाई दिया। वहीं शव को देखकर पुवाल मालिक ने शोर मचाया और शोर सुनकर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और फोन करके मामले की सूचना दी। वहीं प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह को सूचना दी गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए बलिया चिकित्सालय भेज दिया। छत्तीसगढ़ में माओवादी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। खबर कांकेर के बांदेनराना के उलिया से है, जहां नक्सलियों ने एक ग्रामीण को अगवा कर उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने ग्रामीण को पुलिस का मित्र बताकर दर्दनाक मौत दी और साथ ही ये भी कहा कि ग्रामीण पुलिस के बहकावे में नहीं आया, वरना सभी को मौत की सजा मिलेगी। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव 24।